नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल होने वाले मुकाबले के बारे में, जो कि होने वाला है श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में फर्स्ट T20 मैच होने वाला है कल। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा, कौन मैच जीतेगा और कौन से प्लेयर अच्छे खेलेंगे और किस प्रकार से मैच जाएगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से कि किस प्रकार से मैच जा सकता है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ी सी मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि 2017 के बाद से यहाँ पर एक भी मैच कल हुआ नहीं है और कल यहाँ पर बहुत लाइक इतने लंबे टाइम के बाद कल यहाँ पर फर्स्ट मैच होने वाला है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिच मॉइस्चर लेके हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश यहाँ पर भी बहुत हो रही है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ पर बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पाकिस्तान में भी बारिश बहुत तेज़ चल रही है। और कल हालांकि बारिश के चांसेस कम है तो मैच कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। और अच्छी कैलकुलेशन है कि मैच यहाँ पर कल अच्छा, एक रोमांचित फर्स्ट मैच बहुत अच्छा रोमांच के साथ यहाँ पर हो सकता है। अब किस प्रकार से मैच जाएगा, कौन सी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं आज आपको टॉस की डिटेल इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ कि कौन टॉस जीतेगा और कौन पहले खेलेगा या कौन बाद में खेलेगा, पर इतना मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक अच्छे स्कोर का ये मैच हो सकता है और 160 से लेके 180 के आसपास का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। 160 के आसपास का स्कोर जो रहेगा वो इजी चेज रहेगा यहाँ पर। 175 180 का जो स्कोर रहेगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि चेज़ नहीं हो सकता, पर वहाँ पर आपको कंपटीशन देखने को आराम से मिल सकता है। और 193 प्लस का जो स्कोर रहेगा वो कहीं ना कहीं एक विनिंग टोटल के आसपास आपको दिखाई देगा। तो एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है आपको देखने को मिले कल। अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि पिच किस तरह से मूव करेगा, पर एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग मैच कल यहाँ पर हो सकता है। अब हाई स्कोरिंग मैच के लिए आप देखिएगा कि अगर कल जो फर्स्ट बैट के चांसेस आ रहे हैं, हालांकि मैंने आपको टॉस नहीं बताया पर फर्स्ट बैट के चांसेस मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं श्रीलंका कल पहले बैट यहां पर कर सकता है, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी या हो सकता है उसकी फर्स्ट बैटिंग करने के चांसेस यहां पर थोड़े से ज़्यादा रहें। स्कोर मैंने आपको बता दिया है 160 प्लस के स्कोर पे यहाँ पर मज़ा आएगा मैच कर देखने में और बहुत अच्छा लगेगा। और 190 प्लस का स्कोर थोड़ा सा चेज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बाद वाली टीम के लिए। हालांकि पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और श्रीलंका के प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं T20 के लिए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाबला हमें यहाँ देखने को कल मिल सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से प्लेयर्स यहाँ पर कल अच्छे चल सकते हैं। ड्रीम इलेवन की टीम जो बना रहे हैं फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख के, मैं उन्हें बता दूँ कि कुछ प्लेयर्स के नाम यहाँ पर मैं बताऊँगा जो आप अपनी टीम में ज़रूर लें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर। तो बाबर आजम हमने देखा है कि वनडे मैच में भी वो बहुत अच्छा चले हैं और डेफिनेटली T20 में भी बहुत अच्छा चलेंगे। दूसरा मैं आपको बोलूँगा फ़खर जमान को आप ज़रूर लें यहाँ पर। और श्रीलंका के एक प्लेयर हैं धांशु करके, जो एक प्लेयर हैं उन्हें आप ज़रूर लें, वो भी बहुत अच्छा कल देख सकते हैं। कल उनका दिन बड़ा अच्छा जा रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ अगला मैं आपको एक बॉलर बताता हूँ यहाँ पर, आप शादाब खान को ज़रूर लें यहाँ पर। शादाब खान को लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए टीम में, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कैलकुलेशन बनेगी अगर आप इन प्लेयर्स को लेते हैं तो। शादाब खान मैंने आपको बताया है, फ़खर आजम बताया है मैंने, बाबर आजम बताया है मैंने, और फ़खर जमान बताया है, बाबर आजम बताया है, शादाब खान बताया है, और इसी के अलावा मैंने आपको एक प्लेयर और बताया था धांशु करके। तो ये अगर प्लेयर आप अपनी टीम में लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। और मोहम्मद आमिर को अगर आप चाहें तो ज़रूर रख सकते हैं। ड्रीम इलेवन की पूरी कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और उसके लिए एक एक प्लेयर को देखना पड़ता है कि कौन कल चल सकता है कौन कल चल नहीं सकता है। अगर आपको स्पेशली कोई प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कल मैच कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। तो मेरा प्रेडिक्शन या मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग और मैं जिस टीम को फेवर कर रहा हूँ, ये प्योर और प्योर मेरी फेवरेंस है कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस और जीतने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कल थोड़ी सी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कल पाकिस्तान यहाँ पर जीत सकता है और अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ जीत सकता है। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान फर्स्ट बैट करके जीतेगा या सेकंड बैट करके जीतेगा। तो स्कोर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से मैच जाएगा और किस प्रकार से ये मैच आगे जाना चाहिए। मैं आपको सभी को एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि
क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है और चलते हुए गेम के दौरान कौन से ओवर में या कौन सी बॉल पे पासा पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ कि आप जब भी मेरे मैच को देख के डायरेक्ट कैलकुलेट ना करके मेरे वीडियो को समझ के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी और ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको और भी कोई जानकारी मैच से रिलेटेड चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मैच के लिए और मैच के दौरान कॉल ना करें, शायद मैं अवेलेबल ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ना हो पाऊँ और इवनिंग का टाइम रहता है, ऑफिस से शायद घर जा रहा हूँ या कहाँ हूँ, सैटरडे भी है कल तो अभी कुछ कह नहीं सकता। और उस हिसाब से अगर हाँ, पर मैं व्हाट्सअप पे अवेलेबल रहूँगा। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोक के भाव में मैसेजेस ना करें या जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी मैसेजेस ना करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर सिर्फ वही मैसेज करें जो मेरा भी फ़ायदा करा पाए और जो आप अपना भी फ़ायदा करा पाए। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, यहाँ सब अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं। और मैं भी अगर कैलकुलेट करके अपना टाइम देके अपनी इन्फॉर्मेशन देके अगर आपको बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली आप भी मेरी बात यहाँ पर समझ रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब तो मेरे को शायद एक दो महीना हो चुका है आराम से वीडियो बनाते बनाते, और आप सभी को मैंने एक अच्छी और एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमेशा दी है। और डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ काम करते हैं तो शायद आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं जिसमें लोगों ने फ़ायदा लिया है और बहुत अच्छा अच्छा फ़ायदा लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कोई टॉपिक हो या और भी किसी बात पर अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ लिख के भेजिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।